तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेज ऑफ गेन सीखेंगे अपने प्रॉफिट में से टू कैलकुलेट अवर नॉर्मल प्रॉफिट. तो वी विल प्रिपेयर फर्स्ट वी विल टेक अवर प्रॉफिट लाइक फॉर 2013 वी टुक 40,000. बट ये 40,000 है इट इज इंक्लूड हैज इंक्लूडेड अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 एज एबनॉर्मल गेन और हमें किसी भी तरह के एबनॉर्मल आइटम को शामिल नहीं करना है. सो हम इसे डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम अवर प्रॉफिट. तो हमें लेस कर देना है एबनॉर्मल गेन 5,000. तो हमारा जो ट्रू प्रॉफिट है दैट इज 35,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आएगा. For 2014 रुपीज 50,000. इस 50,000 में से हम चार्ज कर चुके हैं 10,000 एज एबनॉर्मल लॉस जिसे हमें वापस एड करना होगा. तो एड एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 10,000. तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है दैट इज 60,000. एंड इन 2015 We are taking 45,000. अब यहां जो है ये कह रहा है कि 5,000 यू आर एक्सक्लूडिंग एज इन एनुअल इंश्योरेंस यानी कि इन्होंने 5,000 एनुअल इंश्योरेंस जो है वो इंक्लूड नहीं कर रखा है. लेकिन दिस इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड दिस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. ये आपका एनुअल इंश्योरेंस चार्जेस है ये आपको एवरी ईयर लेस करना है दिस एनुअल इंश्योरेंस. तो आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं. हम दो तरीके से यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना टोटल पता कर लेती हूँ 1,40,000 और अपना एवरेज निकाल लेती हूँ. एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3. एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 विच कम्स 46,667. अब इसमें से मैं लेस कर लूंगी एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम. एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 41,660. मैंने यहां पर क्यों किया ऐसा क्योंकि देखिए मैंने जो प्रॉफिट लिया है दैट इज एवरेज प्रॉफिट और अगर आप देखें तो आपको तीनों ईयर में 5,000 एनुअल इंश्योरेंस लेना है तो 5 + 5 + 5 डिवाइडेड बाय 3 उसका एवरेज भी 5 ही आता है. तो या तो आप एवरेज में से एवरेज लेस करके अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर आप हर ईयर में से 5,000 लेस करके फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां कर रही हूं. हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो 2013 में आया था वो आया था 35,000 इन 2014 60,000 एंड 45,000. आप चाहें तो इसमें से एवरी ईयर भी 5,000 लेस कर सकते हैं. इन दिस वे यू विल गॉट 30, 55 एंड 40,000. तो आपका टोटल इस बार आएगा 1,25,000 और जब आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो भी आपका आंसर आएगा 41,667. तो चाहे तो आप एवरेज प्रॉफिट में से एवरेज प्रीमियम लेस कर लीजिए या फिर आप एवरी ईयर चार्ज करके देन एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए. दोनों में से कोई भी एक मेथड कर लीजिए आंसर सेम आता है. तो वी हैव कैलकुलेट अवर एवरेज प्रॉफिट 41,667. नाउ वी विल कैलकुलेट अवर गुडविल और जो गुडविल है वो है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स. एवरेज प्रॉफिट है 41,667 और जो नंबर इयर्स है वो है हमारे पास 3. नंबर ऑफ इयर्स हम लेंगे यहाँ पे 2. तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 83,334. ये रही हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज प्रॉफिट टू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. एवरेज प्रॉफिट विच वी हैव कैलकुलेटेड 41,667 एंड नंबर ऑफ इयर्स परचेज आर 2 इयर्स. तो इन दिस वे वी गॉट द वैल्यू ऑफ गुडविल 83,334.
तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हमें किसी भी तरह के किस एबनॉर्मल आइटम को कंसिडर नहीं करना है। कोई भी एबनॉर्मल आइटम अगर आप कंसिडर कर चुके हैं तो पहले उसे हमें वापस एड या लेस कर देना है। लाइक इनकम्स हमने एड कर रखी है उसे हम लेस कर देंगे, और एबनॉर्मल लॉसेस जो है वो हम लेस कर चुके हैं तो उसे हमें वापस ऐड कर देना है। और इस तरह से कोई भी अगर आपका रिकरिंग एक्सपेंसेस है, आपका कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो वो अगर आपने कंसीडर नहीं किया तो वो आपको जरूर कंसीडर कर लेना है। लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम हमने कंसीडर नहीं किया था तो हमने यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम कंसीडर कर लिया है। तो इन दिस वे हम अपना गुडविल जो है उनका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जहां पर हम करेंगे कि किस तरीके से अगर हमने किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया है तो हम कैसे अपना गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। लाइक हमें जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो करनी है 3 इयर्स परचेज। ओके, और हमें जो इयर्स लेने हैं वो लेने हैं पास्ट 4 इयर्स, एंड 4 इयर्स के जो हमारे पास प्रॉफिट्स हैं वो हैं 2012, 20,200, 2013, 24,800, 2014, 20,000 and 2015 profits are ₹30,000। पास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट्स हमें गिवन है 20,200, 24,800, 20,000 and 30,000। अब इन्फॉर्मेशन मिलती हमें ऑन 1st December 2013, मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकरिंग ₹6,000। मेजर रिपेयर वॉज मेड फॉर प्लांट ₹6,000। विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू बट नाउ फॉर 10% per annum। This is our first information. Second information, closing stock for the year 2013 was overvalued by ₹2,400. Next, an annual charge regarding management cost should be made for ₹4,800.
तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है ऑन 1 दिसंबर 2013 मेजर रिपेयर्स वॉज मेड फॉर द प्लांट ₹6,000। हमने प्लांट के लिए प्लांट को रिपेयर किया और इस रिपेयर के लिए हमें ₹6,000 स्पेंड करने पड़े। तो ये 6000 जो है ये विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, ये करेक्ट था, रेवेन्यू ही चार्जेस, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही है और एज अ रेवेन्यू ये ट्रीट करना चाहिए था, तो हमने इसे रेवेन्यू चार्ज मान लिया है, तो ये बिल्कुल सही था। लेकिन फॉर गुडविल वैल्यूएशन इट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर नाउ। लेकिन अब हम गुडविल के वैल्यूएशन के लिए चाहते हैं कि इन एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू नहीं बल्कि एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करें। यहां आके हमने अपना पॉलिसी थोड़ा चेंज कर दिया है और हम चाहते हैं कि वो एक्सपेंसेस जो हम रेवेन्यू मान के ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं 6000, अब उसे हम एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना चाहते हैं। और जैसे ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा ऑब्वियसली उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं एट द रेट 10% पर एनम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि वो जो रेवेन्यू था उसे अब आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना है, तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन वी आर टू ट्रीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013 वॉज ओवर वैल्यूड। हमने 2013 के जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको उसकी वैल्यू को बढ़ाकर दिखा दिया है, कितने से 2400 से। तो जब आपने बढ़ाकर दिखा दिया है तो आपकी 2013 के 14 जो प्रॉफिट्स हैं वो ऑब्वियसली करेक्ट प्रॉफिट नहीं है। एनुअल चार्ज रिगार्डिंग मैनेजमेंट कोर्स शुड बी मेड फॉर 4800 और हमें एक एनुअल चार्ज जो मैनेजमेंट कोर्स के लिए है वो भी हमें यहाँ पर चार्ज करना है एवरी ईयर प्रॉफिट में से। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को। आपका टॉपिक कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है 1 दिसंबर 2013। हमारे पास जो प्रॉफिट होते हैं वो हमेशा होते हैं 31 मार्च को, क्योंकि हम एवरी ईयर 31 मार्च को ही अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसी डेट को हम अपना ट्रेडिंग और पेंडल अकाउंट बनाते हैं और अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो जो प्रॉफिट है दे आर कैलकुलेटेड ऑन 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015। ये जो रिपेयर हुए हैं ये 1 दिसंबर को हुए हैं, यानी कि जो हमारा ईयर है फॉर दिस पॉइंट, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 2013 टू 14। यानी ये जो प्रॉफिट कैलकुलेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा ये पड़ेगा 31 मार्च 2014 के प्रॉफिट पर, 31 मार्च 2013 पे नहीं, क्योंकि 31 मार्च 2013 तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। फॉर दिस अवर ईयर इज 2013 एंड 14, तो 20,000 पे हमें इसका जो है इफेक्ट न्यूट्रलाइज करना है। हम यहाँ पर 6000 को रेवेन्यू मान चुके थे जिसे अब कैपिटल, अब गुडविल वैल्यूएशन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है। तो जो ऑलरेडी हमने रेवेन्यू मानकर अपने प्रॉफिट में से लेस कर लिया है उसे अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस एड। ध्यान देखिए दीजिएगा, हमने इसे रेवेन्यू मानकर चार्ज कर लिया, यानी हम इसे प्रॉफिट में से ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं, बट क्वेश्चन चाहता है कि नहीं आप इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानिए, तो ये रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसे बैलेंस शीट में जाना होगा, इसका मतलब इसे हम पी एंड एल से चार्ज नहीं कर सकते, पर हम तो चार्ज कर चुके हैं तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, इसे एड करना होगा। तो ये आप समझ में आ गया। नेक्स्ट थिंग, जैसे ही इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेंगे वैसे ही इस पर डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, आपका एक रिकरिंग एक्सपेंसेस है, तो आपको ये डेप्रिसिएशन एवरी ईयर लेस करना होगा। सेकंड पॉइंट सेज दैट क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013, ये 2013 के लिए कह रहा है आपको, तो ये कह रहा है इन दिस ईयर आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर लिया है बाय ₹2400 से। इसका मतलब ये है कि आपने अपने 2013 के प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रखा है, आपने उसे एक्स्ट्रा दिखा रखा है, तो इस प्रॉफिट को आपको वापस क्या करना होगा, कम करना होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक है और एवरी ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पर सिर्फ इस ईयर में ही इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा, आपको नेक्स्ट ईयर में भी एडजस्टमेंट करना होगा, यानी 2013 और 2014 कोर्स शुड बी मेड फॉर 4800। आपका ये एनुअल चार्ज है और आपको इसे एवरी ईयर एडजस्ट करना है, और ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इसलिए आपको इसे डिडक्ट करना
है अपने प्रॉफिट में से, ताकि आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। तो पहले हम इसी को ले लेते हैं, तो हमें लेस करना है मैनेजमेंट कॉस्ट इन ईच ईयर 4,800। तो हम 4,800 हम अपने हर ईयर में से इसे लेस करेंगे। तो रेस्ट अमाउंट इज 15,400, 15,200 एंड 25,200। अब हम 6,000 जिसे हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, लेस कर चुके हैं, उसे हम वापस ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसे हम अपने क्या मान लिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने रेवेन्यू मान के चार्ज कर लिया था, इसे हम वापस ऐड करेंगे 1 दिसंबर 2013, यानी कि इसका जो इफेक्ट पड़ा है वो पड़ा 31 मार्च 2014 के प्रॉफिट कैलकुलेशन पे। तो इसे हम वापस ऐड करेंगे 6,000, ये प्लस होंगे इन योर 2014 के प्रॉफिट में। लेकिन जैसे ही इसे आप रेवेन्यू से कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हैं, वैसे ही इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर आपने इसे ऐड कर लिया है, तो इसका डेप्रिसिएशन आपको यहां पर लेस भी करना होगा। तो हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर ओनली 4 मंथ्स, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च। क्योंकि ये 1 दिसंबर है और आपका क्लोजिंग ईयर जो क्लोजिंग है वो मंथ है वो 31 मार्च। तो दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 4 मंथ्स के लिए ही हमें कैलकुलेशन करना है। तो 6,000 पे हम 10% की रेट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, बट ओनली फॉर 4 मंथ्स। तो आपका डेप्रिसिएशन जो आएगा वो आएगा 200। तो 200 हम डिडक्ट करने वाले हैं अपने दिस ईयर के प्रॉफिट में से। क्लियर है? डेप्रिसिएशन जो है वो एवरी ईयर लगता है। तो जहां पर डेप्रिसिएशन सिर्फ 2014 में ही चार्ज नहीं होगा, डेप्रिसिएशन 2015 में भी चार्ज होगा। और यहां पर हमें डेप्रिसिएशन के लिए कहा गया है कि जो मेथड हम ले रहे हैं वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जहां पर हम एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू बचती है उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर 2015 आपकी जो वैल्यू है, बुक वैल्यू है, वो है 6,000 में से 200 चार्ज करने के बाद जो एसएस की वैल्यू बचती है, प्लान की वैल्यू है, वो है 5,800। तो अब हम 5,800 पे 10% चार्ज करेंगे फॉर फुल ईयर, क्योंकि यहाँ पे पूरा वन ईयर है। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो आएगा 580। तो इन दिस ईयर वी विल डिडक्ट 580 एज डेप्रिसिएशन, 15,400, 20,000 and 24,620, 21,000. Second adjustment. Now we will do our last adjustment. Closing stock is overvalued for 2013. 2013 में आपने अपने closing stock को ज्यादा दिखाकर अपने profit को भी अदा कर रखा है, तो इसे हमें करना होगा less. Less करेंगे हम over valuation of closing stock. आपने जो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड किया है वो 2013 में किया है, तो हमें यहां आकर इसे लेस करना होगा -2,400। लेकिन यही 2,400 फॉर द नेक्स्ट ईयर बनने जा रहा है ओपनिंग स्टॉक, तो इसे हम यहां पर आकर ऐड करेंगे। तो ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो इन दिस ईयर इट विल बी एडेड 2,400। तो हमारा जो बैलेंस है 15,400, 17,600, 21,000, 24,600। अब जो हमारा फाइनल बैलेंस है वो है 15,400। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द 2012 इज 15,400,
17,600 2013 23,400 for 2014 and 24,620 for 2015। एक बार फिर से हम इस एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका ये एनुअल चार्ज है एंड दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ऑल ईयर्स प्रॉफिट। तो हमने अपना 4,800 एवरी ईयर लेस किया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट कहता है कि हमने 6,000 जिसे हमने रेवेन्यू मान लिया था, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना चाहते हैं। तो जैसे हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे वहां पर डेप्रिसिएशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने रेवेन्यू मानकर उसे लेस कर लिया था, अब उसे हम वापस ऐड करेंगे और ऐड करने के साथ ही इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो फॉर दिस ईयर वी डेप्रिसिएट रूपीज 6,000 फॉर द 4 months बाय 200 एंड फॉर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज रूपीज 580। After charging depreciation, the value are 15,400, 20,000, 21,000, 24,620. And last, we overvaluation of closing stock by rupees 2,400. Closing stock, जिसे हमने 2030 में बढ़ाकर दिखा दिया था, तो उसे हमें वापस लेस कर देना है। और यही क्लोजिंग स्टॉक इस बढ़ी हुई अमाउंट के साथ ओपनिंग स्टॉक बनकर 2040 में चला गया था, तो वहां पर उसे हमें वापस एड कर देना है। तो आफ्टर डूइंग ऑल दीज एडजस्टमेंट वी गॉट अवर नॉर्मल प्रॉफिट 15,400, 17,600, 23,400 and 24,620। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद अब हमें बस सीधे सीधे इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है और अपना गुडविल कैलकुलेट कर लेना है। तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 15,400 plus 17,600 plus 23,400 and 24,620 डिवाइडेड बाय 4। और जैसे ही इसे हम अपने नंबर ऑफ इयर्स है परचेज 3 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे सामने हमारी गुडविल आ जाएगी। तो इन दिस वे वी लर्न द एडजस्टमेंट रिगार्डिंग एबनॉर्मल लॉसेज और एबनॉर्मल गेन इन द प्रॉफिट ऑफ द ईयर टू कैलकुलेट अवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक इसी तरह से हमारा नेक्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हर ईयर के प्रॉफिट को एक वेटेज दे दिया जाता है। आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली वैसे ही अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देन आपको वेटेज दिया हुआ होगा, उस वेटेज को आपको मल्टीप्लाई करना है। लाइक मैंने दे दिया वेटेज 2012 का जो वेट है वो है 1, 2013 का है 2, 14 का है 3 और 15 का है 4। तो वी विल मल्टीप्लाई द नॉर्मल प्रॉफिट by their weight, like 15,400 multiply by 1, 17,600 multiply by 2, 23,400 multiply by 3 and 24,620 by 4। हमें इनको इनके वेटेज से मल्टीप्लाई कर लेना है। 15,400, 35,200, 70,200 and 90,480। और अब हम इसका उसी तरीके से टोटल निकाल लेंगे, ये आएगा। बस फर्क इतना सा है कि आपको यहां पर करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। आपको यहां वेट से ही मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी वेट का ही लगाना है, यानी कि 2,19,200 विल बी डिवाइडेड बाय 4,372,901,10 और देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3 ईयर्स परचेज ऑफ गुडविल। इन दिस वे यू विल फाइंड आउट योर वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सिर्फ कितना करना है आपको, एज यूजल जैसा आपने सिंपल प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वैसे आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बस इनको अब आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप इसमें है कि इनको इनके वेट से ही मल्टीप्लाई करना है और उसी वेट का डिवाइड लगाना है टू कैलकुलेट योर एवरेज प्रॉफिट विच विल बी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद में आप जैसे ही अपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे आपके सामने आपकी गुडविल आ जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। Now we will take our next method, super profit method.